पचमौली पुलिस थाना अंतर्गत 24 तारीख को दो लोगों के बीच चल रहे विवाद में कारतूस का उपयोग होने का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार 24 तारीख की रात को पचमौली पुलिस को जानकारी मिली कि पचमौली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले परिसर में दो लोगों के बीच विवाद चल रहा है, जिसमें फायरिंग की गई है। ये बात भी पुलिस को पता चली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए वो घटनास्थल पर पहुंची, जहां भले ही उन्हें कुछ न मिला हो, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जब आगे छानबीन की तब पुलिस ने इस घटना में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे देसी कट्टा और कारतूस बरामद की। इस संदर्भ में सहायक पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत कोसे ने अधिक जानकारी साझा की। त्या कॉलमध्ये असं होतं की दोघांचे भांडणं झाले आणि कट्ट्याने फायरिंग झालं आहे। स्पॉटवर गेलो तर तेव्हा काही नव्हतं, पण कालांतराने मी सोबत आमचा DBC स्टाफ, आमचे PI साहेब श्री संजय मेंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जाऊन शोध घेतला आरोपींचा। तर त्यात दोन आरोपी आम्हाला निष्पन्न झाले, एकाचं नाव होतं दीपक गौर, दुसऱ्याचं नाव होतं मोन्या उर्फ संजय नाईक। या दोघांना तात्काळ DB पथकाच्या मदतीने आम्ही अटक केली। अटक केल्यानंतर आरोपींना विश्वासात घेऊन विचारपूस केली, तर यातील आरोपी जो आहे दीपक गौर याने एक देशी कट्टा आणि एक जिवंत कारतूस फिर्यादीवरती चालवलं होतं। एका जिवंत कट्ट्याच्या सहाय्याने ते देशी कारतूस फिर्यादीवरती जीवे मारण्याच्या उद्देशाने चालवलं होतं, पण नशिबाने ते कारतूस फायर झालं नाही, म्हणजे त्या कट्टा मिसफायर झाला। मग ते आम्ही आरोपीच्या ताब्यातनं त्याला विश्वासात घेऊन जप्त केलं आहे। गुन्ह्याचा पुढील तपास PI श्री संजय मेंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली। इस मामले में पुलिस ने आरोपी दीपक गौर और मुन्ना उर्फ संजय नाईक को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।